हाँ जी वापस आ जाओ थोड़ा नेट का इशू हो गया था चलो जी स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस बट हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग एंड मेक सम सेंस कोई फुल सेंटेंस नहीं होता बट इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है जैसे कि ऑन द हिल अबाउट टाउन अंडर द ट्री ठीक है जी अ फ्रेज इज क्वाइट इक्वलेंट याद रखना बच्चे अ फ्रेज इज क्वाइट इक्वलेंट टू एडजेक्टिव फ्रेज इज क्वाइट इक्वलेंट टू एडजेक्टिव एडवर्ब एंड नाउन हाउ एवर बी फूड फ्री दैट कन्फाइन आर सेल्फ इफ विच आर यूजिंग ये किस में यूज होते हैं आइडियम्स में यूज होते हैं ठीक है जी इन द लैंग्वेज इट से आइडियम्स आर द सोल्स ऑफ स्पार्कल एंड पॉलिश फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग अप डिक्शनरी मीनिंग रेयर इज पुअर सब्सटीट्यूट फॉर इट अब पढ़ते हैं सम वर्बल आइडियम्स वी शेल बिगेन विद द आइडियम्स ईच कंसिस्ट ऑफ वर्ब एंड प्रेपोजिशन अ सिंगल वर्ब कैन गिव अस अ नंबर ऑफ आइडियम्स बाई अटैचिंग डिफरेंट प्रोपेशउट एग्जाम्पल क्या है टर्न आउटेल टर्न अप टू अपीयर टर्न डाउन टू रिजेक्ट अगर हमें किसी को बोलना है कि यू आर रिजेक्टेड तो हम क्या बोलेंगे यू आर टर्न डाउन टू रिक्वेस्ट टू रिजेक्ट रिक्वेस्ट और अपील ठीक है जी बीट बैक स्टार्ट करते हैं बीट बैक कंपाइल टू रिट्रीट द फायरमैन वर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स देख लो चेंज हो गया जैसा सेंटेंस वैसा चेंज हो जाएगा बाय द फ्लेम्स एंड द बिल्डिंग वॉज रिड्यूज टू

सच्चाई के रास्ते को छोड़ देते हैं अगर उन्हें कहीं पे फ़ायदा दिख रहा होता है कट ऑफ विथ शिलिंग टू गिव समन मोर ट्रिफिल इन द वेल द फादर वॉज सो एंग्री विथ सन ओवर हिज मैरिज दैट ही कट हिम ऑफ विद द शीलिंग उसने क्या किया उसको उसके विल से निकाल दिया ग्लॉस ओवर इग्नोर करना इवन इफ यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट कैन नॉट बी ग्लॉस्ड Over, labour under to suffer from someone advantages and disadvantages. Play off against, let to set one party against another own advantage. The best of interest is superpower to play off one poor nation against another. Pull off through, pull off through ka hai to recover, to help one recover. जैसे कि हम कोविड की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं पुल वन थ्रू कर रहे हैं आर्म्ड विद द लेटेस्ट वैक्स मेडिसन्स द डॉक्टर विल पुल हिम थ्रू ठीक है जी आइडियम्स एक्सप्रेशन इन विच प्रिंसिपल वर्ड इज वर्ब जिसके अंदर क्या है प्रिंसिपल वर्ड जो है वो वर्ब है कास्ट अ स्लर अपऑन बाय वर्ड और एक्ट कास्ट लाइटली रिप्रोच ऑन ठीक है जी टू कैश द टार्टर बेटा जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे चैप्टर को अगर आपको आइडियम्स याद नहीं होते कोई प्रॉब्लम नहीं है ये दो पार्ट याद कर लो प्रोव याद कर लो इतना भी याद कर लोगे तो ये चैप्टर मोर देन सफिशियंट है ठीक है पर हमें पढ़ना है इसलिए सब कुछ मैं पढ़ाऊँगी टू कट द गार्डियन नोट टू रिमूव डिफिकल्टी बाय बोल्ड एंड अनयूजल मेजर्स टू फॉल टू समन टू बिकम समन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर रहे हैं हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं टू फॉल टू समन टू गेट द अपर हैंड और टू गेट द बेटर टू प्रिवेल ओवर टू गिव सम वन द स्लिप टू डॉट समन हुज़ लुकिंग फॉर यू दोलर्स नियरली अरेस्टेड द डकैस वेन द लेटर गिव दैम स्लिप एंड हाइड हिमसेल्फ इन चम्बल रिवाइंस अ गिवेंट चेक पॉलिसी म्यूचुअल कंसेशन ठीक है जी टू गो रैक एंड रून स्टेट ऑफ डिसअपेयर एंड थ्रू निकले टू हैव अ बोन टू पिक विद ठीक है जी टू हैव अ डिफरेंस विद द पर्सन दैट नॉट येट बी फुली एक्सपेक्ट मेरी आपसे दुश्मनी है अभी तक हमने उस चीज को क्लियर नहीं करा है टू हैव द वाइव हैंड टू हैव पोजिशन ओवर पार और कंट्रोल ठीक है जी टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर

ठीक है जी टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ एंड टू कीप वन ओन काउंसिल टू बी साइलेंट अबाउट वन इंटेंशन हम क्या करेंगे हम चुप रहेंगे हमें पता है सामने वाले की इंटेंशन क्या है ठीक है बच्चे वेलकम बैक दीपशिखा टू कीप द दर्क फ्रॉम द डोर टू कीप द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड गरीबी और भूखमरी को हम अपने दरवाजे से दूर रखेंगे टू मेक शॉर्ट वर्क टू ब्रिंग टू द सडन एंड टू मेक अमेंडमेंट टू कंपनसेट और मेकअप डूइंग रॉन्ग टू मेक कॉमन कॉज अचीव अ शेयर्ड एम ठीक है जी कॉमन कॉज टू मेक अ वर्चू ऑफ नेसेसिटी हम क्या करेंगे प्रिटेंड समथिंग वन इज ऑबलेट टू डू टू मेक मच ऑर्डो अबाउट थिंग टू मेक ग्रेट फॉर अबाउट अ प्रिफिल क्राइंग ओवर द लॉस ऑफ टेन रुपीज इज रियली मेकिंग मच अबाउट टू उसको फॉलो करेंगे टू राइज द ओकेजन शो द डेरिंग एंड इमेजिनेशन एक बार रीड भी कर लोगे ना हो सकता है पेपर में कभी क्लिक कर जाता है टू सेट स्टोर टू कंसिडर टू बी अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस इंडिया डि सेट मत स्टोर ऑन इंडो सोवन ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप हमारे इंडिया में क्या होता है भाई भाई टू सेट वन ओन हाउस इन ऑर्डर टू अरेंज वन अफेयर हारमोनी हम क्या करेंगे प्यार से चीजों को रखेंगे टू टेक बुल बाय द हॉर्न डील डिसब्ली विथ डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट हम क्या हमारे घर वाले कहते हैं तकलीफें आएंगी पर उनको आराम से सॉल्व आप करोगे the doctor had to take the bull by the horn by deciding to amputate the patient leg in order to save his life to take a leap in dark take a risky action step in the hope that is right हम रिस्की एक्शन ले रहे हैं और हमारी होप ये रहेगी कि ये जो हमने एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है ठीक है जी टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन टू डिसकरेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग हम क्या बोलते हैं थ्रू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मैंने किसी पे ठंडा पानी फेंक दिया मतलब उसकी जो उसको डिस्करेज कर दिया किसी भी काम को करने से ठीक है जी द डॉक्टर थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन माई प्लान फॉर अ वर्ल्ड टूर by डिक्लेयरिंग दैट आई वुड नॉट एबल बी नॉट बी एबल स्टैंड द स्ट्रेन ऑफ ठीक है जी या फिर हम बोल सकते हैं कोरोना वायरस ने हमारे पे क्या करा ठंडा पानी फेंक दिया हमें डिस्करेज कर दिया कुछ काम करने से हमारे वर्ल्ड टूर्स थे बट कोविड आ गया तो सब खत्म हो गया टू थ्रो इन स्पॉन स्टार टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट एक्नोलेज टू टर्न द टेबल गेन एडवांटेज आफ्टर हैविंग आफ्टर हैविंग बींग ए द वर्ब टू कुक और डॉक्टर एंड अकाउंट अ बुक टू टैंपर विद और फॉल्सी फैक्ट और फिगर टू बी आर द बर्न ये हमने बहुत बार सुना है टू बीयर द मेन फोर्स और शॉक ऑफ टू बी आर द लाइन इन हिज डेंटिसी को चैलेंज करना टू अपोज और चैलेंज सम वन इन हिज स्ट्रॉन्ग व्लेस ठीक है जी ये सारे बहुत कॉमन है टू ब्लर्न द एज टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव हम क्या करते हैं टू ब्लर्न दाइम ब्लन द एज ऑफ ग्रीफ टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड To make to to great demand on one physical or mental resource by overwork or over indulgence in some activity to cross the rubicon to take an important action step that cannot be reversed बोलते हैं ना मुंह से निकला हुआ शक्त कभी वापस नहीं आता तो try to cross the ribbon हमें उस तरीके से action लेना है और step लेना है that cannot be reverse to carry the favour टू विन फेवर बाई गिफ्ट ऑफ फ्लाटरी टू फ्लॉग अ डेड हाउस डेड हॉस वेस्ट वन एनर्जी ऑन लॉस्ट कॉज ठीक है जी टू फेदर वंसनेस टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ थ्रू डिस ऑनेस्ट मीन किसी को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ और उसमें मेरा ही फायदा है टू हीट टू ईट हम्बल पाई टू हैव ह्यूमिलेट वन सेल्फ

टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रेवल थ्रू मिस कैल्कुलेशन और फुलिजनेस ठीक है जी टू फोर्स वन हैंड टू कंपाइल वन टू डू समथिंग अनविल किसी को जबरदस्ती काम करवाना टू फोर्स वन हैंड टू होल ओवर द कोल रिप्रोच रिप्रिमिट समलीट्स इफ योअर बैड हैबिट बिकम नोन यू विल गेट होल्ड ओवर द कोल यू रिचुअली डिजर्व इट टू पी टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट टू अननेसेसरी कॉज डिले इन टेकिंग एक्शन हमें अपने एक्शन में डिले नहीं करना चाहिए टू लॉर्ड इट ओवर सम वन टू बिहेव इन सुपीरियर और डोमिनेटिंग मैनर विथ सम वन मैं ही हूँ मैं 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 एक वो मैं फैक्टर होता है ना वो नहीं होना चाहिए तो वो क्या बोलते हैं टू लॉर्ड इट ओवर सम वन टू माइंड वन स्पी एंड क्यूज टू बी पंचुअलिटी केयरफुल अबाउट वन स्पीच और बिहेवियर ठीक है बच्चे टू पास मस्टर टू बी एक्सेप्टेड एंड एज satisfactory. टू पास मस्टर मतलब मैं खुश हूँ टू पे इन टू गेट इट फॉर डेट क्या बोलते हैं टू पे वन बैक इन one's ओन कॉइन जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे ठीक है जी टू प्लग a lonely फिर टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट कोई मेरी मदद ही नहीं करता ठीक है जी तो टू प्लग अ लोनली ये हमारी मम्मियों का इंडियन मम्मियों का डायलॉग है कि मुझे तो सारा दिन में अकेले काम करती रहती कोई मेरी मदद ही नहीं करता टू प्लग अ लोनली फॉर ठीक है जी टू रेस्ट ऑन वंस लोरल टू रेस्ट सेटिस्फाइड विद वंस अचीवमेंट मेक नो फर्दर एफर्ट्स मैं खुश हूँ मेरा सी एस सी टी क्लियर हो गया मुझे एग्जीक्यूटिव में मेहनत नहीं करनी टू हाफ ऑन सेम स्ट्रिंग टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर 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 मम्मी जाने दो जाने दो जाने दो टू हाप ऑन सेम

अरेबियन बोड ये पेपर में आ सकता है ठीक है जी इसलिए मैं एक एक करके बता रही हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो आप कर लो टू रूल द रूट्स बी द समवन हु डायरेक्ट अदर इन अ बिजनेस कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड टू स्कैटर द विंड टू वेस्ट वॉट एवर वी गेन बाई इंडिपेंडेंस वी स्कैटर टू द विंड हवा के झोंके से सब चला गया

पाकिस्तान हैज़ नो पाकिस्तान हैज फॉर लो लॉन्ग लुक डैट इंडिया थ्रू कलर स्पेक्ल एंड नेवर ट्रस्टेड इवन मोस्ट जेन्यन ऑफ पीसमू टू सी थ्रू समथिंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग बेन टू डिपेक्टिव अपेयरेंस ठीक है जी टू स्पीक वॉल्यूम अबाउट टू हैव अबेंडेड एविडेंस अबाउट समथिंग हमारे पास प्रूफ है ठीक है जी तभी मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ टू स्प्लिट हेयर ट्यूबल आर्ग्यू ऑन माइनर पॉइंट क्या है छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना टू स्टील अ मार्च ऑन टू डू समू गेन एडवांटेज ओवर अन अदर ठीक है जी टू स्टिकट नथिंग बिहेव इन एन अनस्क वे टू गेट वॉट वन वॉन्ट एन एम्बिशन पोलिटिशियन विट नथिंग इफ इट सर्व द हाई एंस टू स्टेन एवर नर्स एवरी नर्व टू यूज़ वन अटमोस्ट एफर्ट ये एक मेरा पैतरा है जो मैं करूँगी मैं पास हो जाऊंगी टू स्ट्रेच अ पॉइंट ये तो हमने सुना ही है टू एक्सटेंड रेगुलेशन डेफिनेशन टू कवर समथिंग नॉट इंक्लूड इन फालतू में हम उसके अंदर चीज़ों को घुसा रहे हैं टू स्ट्राइक बाई द आयरन इज हॉट टू टेक इमिडिएट एडवाटेजेस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ठीक है जी कहते हैं ना गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू टॉक शॉप टू डिस्कस मैटर कनेक्टेड विद वन ट्रेड और प्रोफेशन टू टाई सम्बडीज हैंड टू रिस्टिक सम्बडी एक्टिविटी किसी के हाथ बांध देना उसको काम करने से रोकना टू थ्रो मड एट टू टॉक इल ऑफ सम पीपल स्पेशलाइज इन थ्रोइंग मड एट अदर ठीक है जी आइडमी फ्रेम इज नाउन देखते बैड ब्लड बैड ब्लड क्या बोलता है गंदा खून कहते हैं ना तेरा खून गंदा है इल विल टूवर्ड्स other, अदर एनिमेटी दे हैड बीन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947. अ बोन ऑफ कंटेंशन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अ बॉसम फ्रेंड पाल पाल क्या होता है पाल भी फ्रेंड होता है ठीक है जी याद रखना अ वेरी इंटीमेट एंड ट्रस्टेड फ्रेंड बॉसम फ्रेंड मतलब एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड ठीक है जी, जी जो आपको कभी धोखा नहीं देगा लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप सम वन हु इज क्लमजी रफ कोर्स कहते हैं ना यू आर वेरी क्लमजी मतलब बहुत तंग करते हो तुम अ कोल्ड कम्फर्ट इन एडुकेट कंसॉलिडेशन क्रिएचर कम्फर्ट मेटीरियल कम्फर्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट फिजिकल इज एंड वेल बींग इससे तो मैं बहुत कम्फर्टेबल फील करती हूँ पुअर लेबर इज मोस्ट कंसर्न अबाउट क्रिएचर कम्फर्ट देन स्पिरिचुअल

छुट्टी पे हो बिना परमिशन के तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंच लीव गुड ऑफिस जहाँ पे आपको इन्फ्लुंस इट इज़ अ वेरी गुड ऑफिस जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है द हरकुलेंस टास्क अ जॉब रिक्वायरिंग अ ग्रेटर एफर्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है लेंच लॉ मॉब लॉ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉलो बाय समरी एग्जीक्यूशन अ मेडेन स्पीच द फर्स्ट स्पीच ऑफ न्यू मेम्बर इन अ पब्लिक ये पेपर में आ सकता है इंपॉर्टेंट है ठीक है जी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको अ नाइन डे वंडर अ पर्सन और इवेंट अट्रैक्ट लॉट ऑफ नोटिस शॉर्ट टाइम बट इट सून फॉर गटन द राइजिंग जनरेशन यंग पीपल आप लोग आपसे छोटे वो क्या है द राइजिंग जनरेशन स्कॉट फ्री विदाउट सफरिंग पनिशमेंट और इंजरी अ शीट एंकर अ डिपेंडेबल पर्सन थिंग रिलाई अपॉन लास्ट रिजॉर्ट टॉल टॉक बूस्टफुल लैंग्वेज इफ वी हैव नो रियल अकम्पलिश वी इंडलजिन टोल टॉक टू डिजल आर सेल्फ इन अदर्स टू ठीक है जी अ वाइट एलिफेंट सफेद हाथी समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन कहते हैं ना मुझे ये गाड़ी चाहिए तो इसका एक कहते हैं कि हाथी खरीदना तो बहुत आसान है पर उसे पालना बहुत मुश्किल है ठीक है जी अ वाइट लाय अ हार्मलेस लाय टू टोल्ड अबाउट हर्टिंग समवंस फीलिंग सफ़ेद झूठ काला झूठ सफ़ेद झूठ सुना है ना अ वाइल्ड गोस्टेस आ अन सर्च इन्वेस्टिगेशन एंड एंटरप्राइजेस एंड एप्पल डिस्कॉर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट द गिफ्ट ऑफ गैप फ्लिक्वेंसी इन स्पीच द इन्स एंड आउट द फुल डिटेल कहते हैं ना हमें इन्स एंड आउट डिटेल चाहिए इन्स एंड आउट चाहिए सब चीजों का इन्स एंड आउट चाहिए तो इन्स एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल द लाइन शेयर द अनफ अनफेयरली लार्ज शेयर द थ्री आर्स मास्टर इन रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमैटिक पिनल वेब अ वॉक विथ सीम्स टू गो ऑन एंड विल गेट नेवर कम टू एंड ठीक है जी द पार दैट बी एनी गवर्नमेंटल लेजिस्लेटिव मैनेजरियल बॉडी द प्रोज एंड कॉन बहुत कॉमन यूज होता है प्रोज एंड कॉन्स क्या उसके बेनिफिट हैं क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है पॉइंट आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट समन और समथिंग ठीक है जी बाय द स्किन ऑफ वन टीथ नैरोकेप और अड स्मॉल मार्जिन अ स्ट्रॉन्ग इन अ टीकअप अ ग्रेट फोर्स ओवर अ ट्रिपल नल एंड वाइल पढ़ा है ना अब ये क्या है इनवैलिड है ठीक है जी ये भी पेपर में आ सकता है टू बी वर्थ इट वेट इन गोल्ड एक्सट्रीमली वैल्यू कहते हैं ना वजन सोने का वजन बहुत चीजें बताता है इन द डेजर्ट बॉटल ऑफ वाटर इज ऑफन वर्थ डेजर्ट में पानी की एक बूंद भी बहुत कीमती होती है टॉप टू बी ग्रीक और डबल डच अन इंटेलिजिबल लैंग्वेज ठीक है जी टू बी एट सी कन्फ्यूज टू बी एट सी मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ टू बी एट सिक्स एंड सेवन इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्या है कन्फ्यूजन के स्टेज पे, पे है अगर सिक्स एंड सेवन पे है अगर नाइन क्लाउड पे है तो आसमान छू रहे हैं टू बी एट वंस विट्स एंड बी कंप्लीटली एट लॉस एज वॉट टू डू टू बी डॉल ड्रम फीलिंग डिप्रेस हम बोलते हैं ना मैं आज बहुत दुखी हूँ आज मैं बहुत डिप्रेस हूँ मुझे आज समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है तो क्या बोलेंगे टू बी इन द डॉल ड्रम ही हैज बी इन डॉल ड्रम्स एवर सिंस हिज वाइफ लेफ्टिम तो आज से हम डिप्रेस की जगह क्या यूज करेंगे डॉल ड्रम्स ठीक है बच्चे टू बी ऑन वेन बिकमिंग वीकर एंड लेस विगेरियस टू बी ऑन द carpet ठीक है टू बी ऑन द लास्ट लेग नीयर ऑफ एंड ऑफ लाइफ ठीक है जी एक्सप्रेशन की बात करें तो मनी डेप बिजनेस रेडी मनी और कैश इमीडिएट अवेलेबल, कहते हैं ना रेडी मनी और कैश बैड डेट्स डेप्स रिकॉर्डेड एज इकोबेबल एवरी ईयर द कंपनी कंपाइजर लिस्ट ऑफ बैड डेट्स जो रिकवर नहीं हो सकते इर रिकेवेबल ठीक है जी इन शॉर्ट सप्लाई नॉट ईजिली अवेलेबल टू ब्रिंग थिंग अंडर हैमर टू सेल समथिंग बाय ऑक्शन ठीक है जी याद रखना क्या है ऑक्शन टू ड्राइव हार्ड बार्गिन इंसिस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल प्राइस बाई नेगोशिएटिंग विद समवन जैसे हम जाते हैं अपनी मार्केट्स में और हम उनको बोलते हैं अरे भैया इतने का लगा दो ना टू ड्राइव अ हार्ड बार्गिन टू पे वंस वे अर्न इनफ टू कवर वन एक्सपेंसेस वार फार वॉर फार क्या बोलता है टू टेक समथिंग बाय स्ट्रॉन्ग टू कैप्चर अ प्लेस बाय सटन एंड वॉयेंट अटैक होता है ना द मैन माउंटेड ऑन ऑल अटैक फ्रॉम एयर एंड लैंड सोन टूक द एनिमी कंट्री बाय स्ट्रांग टू स्ट्राइक वन फ्लैग और कलर टू शो द वाइट टू सरेंडर हम क्या कहते हैं सरेंडर कर दो टू स्ट्राइक वन फ्लैग कलर और टू शो दाइट जब हम वाइट फ्लैग दिखाते हैं तो इसका मतलब शांति से चीज़ें सॉल्व कर लो अब हम क्या कर रहे हैं अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं सी एंड शिप मैनी ऑफ द एक्सप्रेशन बिलोंगिंग्स टू ग्रुप एज याद रखना मेटा प्रोपली इन द एरिया ऑफ अदर देन दे बिलोंग टू वेदर द स्ट्रोंग टू कम आउट ऑफ क्राइसिस सक्सेसफुली क्राइसिस चल रहे हैं उससे हम सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं टू वेदर द स्ट्रोंग टू सेल बिफोर द विंड सेल इन द डायरेक्शन इन विच विंड सेटल इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ टाइम बींग ठीक है जी अभी मेरे पास यही जगह है रहने के लिए ठीक है जी टू गिव अडसाइट अनेबल फेर इज मीनिंग टू चार्ज एट वन एंड मी बाय अरेंजिंग गन्स अलॉन्ग वन सनसाइड शिप टू बी इन द सेम बोट हम दोनों सेम मजधार में हैं इन द सेम डिफिकल्टीज में हैं टू टेक द विंड आउट ऑफ सेल अपसेट एंड डिस्टर्ब एंड ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन को क्या बोलते हैं टू टेक द विंड आउट ऑफ वन स्नेल फायर लाइट कैंडल द गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल द एडवांटेज ऑफ एंजॉयमेंट टू बी गेन इज नॉट वर्थ दी टाइम स्पेंड इन गेनिंग ठीक है बच्चे नॉट होल्ड द कैंडल टू समथिंग और सम्बन बी इंफीरियर टू समबन ठीक है डेथ से रिलेटेड क्या होते हैं ऑल द फ्रेज इज गिवेन बिलो टू डाई अचुरल डेथ आर अपोज टू बी वायलेंट और सडन डेथ फ्रॉम मर्डर एक्सीडेंट बेटल फायर दीज फ्रेजेज ऑल्सो अप्लाय टू डेथ आफ्टर लॉन्ग इलनेस टू पास अवे हम बोलते हैं नहीं ही पास अवे ठीक है जी टू गो द द वे ऑल फ्रेज टू ब्रेथ वन लास्ट टू बी गैदर वन फादर टू ज्वाइन द ग्रेट मेजोरिटी टू किक द बकेट ठीक है जी ये रहा आपका चैप्टर आज खत्म ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया है इसमें हमने 11 चीजें पढ़ी हैं है ना ये ग्यारह चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इसमें दिख रही है ये है ना ये ग्यारह चीज़ें पढ़ ली है हमने अब इस चैप्टर को करना कैसे है फिर से मैं बताती हूँ इस चैप्टर को हमें करना कैसे है इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे लेक्चर भी मैंने ऐसे बनाया है लेक्चर वन टू एंड थ्री ठीक है पहले हम चॉइस ऑफ वर्ड्सोनियम्स एंटोनियम्स होमोनियम्स होमोफोन्स होमो सिंगल वर्ड मिस पहले इनको कवर करेंगे जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड लेक्चर पे, जिसमें है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कॉमनली यूज हुए हैं प्लस एब्रीविएशन जैसे ही ये सेकेंड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जाएंगे प्रोवर्ब्स और आइडम्स प्लस फ्रेजेस इसी फ्लो से हम पढ़ाई करेंगे इसी फ्लो से हम पढ़ाई करेंगे और आप देखोगे आपका चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाए फिर से मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है जिनको लगता है मैम बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश हमको नहीं आती है बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करें तो उनके लिए यही सॉल्यूशन है जितना पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उतना तो पढ़ो बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं देती हूँ क्लास के बाद उसको करने के बाद जो है आप प्रैक्टिस 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 बस एक ही सॉल्यूशन है उसका क्या है बच्चे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा ईजी रहेगा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ठीक है ना तो इसको इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है इसी फॉर्मेट से पढ़ना है कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो कभी भी पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस पढ़ाई करो ठीक है ना जनवरी में एग्जाम है है ना जनवरी में एग्जाम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप यहाँ से सब चीज़ें समझ रहे हो कर रहे हो जितना इजी हो सकता है उतना इजी कर रहे हैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है इंस्टीट्यूट के थ्रू बट हम मान के चलेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन थर्टी मार्क्स का आएगा और इंग्लिश हमारी ट्वेंटी मार्क्स की आएगी हम यही मान के चलेंगे तभी हम मेहनत कर पाएंगे हो सकता है बिज़नेस कम्युनिकेशन सादा का आ जाए तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनको ले बेनिफिट है बट हम लेके यही चलेंगे कि थर्टी मार्क्स एंड ट्वेंटी मार्क्स ये मेरी अपनी एदम है ये आई ने नहीं निकाली है ठीक है जी हम इसी प्लेटफॉर्म इसी फॉर्मेट से पढ़ेंगे ताकि हम इंग्लिश को भी सीरियसली ले सकें जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको हर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगी ये रहे आज के क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप इनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं ठीक है बच्चे चॉइस ऑफ वर्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स वर्ड्स को हमें सही से करना है सिनोनियम्स सेम होते हैं बट हर जगह यूज़ सेम तरीके से नहीं होते हैं जोनियम्स ऑपोजिट होमियम्स बता दिए थे होमफोन्स क्या होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है या नहीं होती है ठीक सिंगल वर्ड्स ऑफ ग्रोप जिनके प्रोन जिनकी प्रोनन्शन दोनों की सेम होती है वर्ड सिंगल वर्ड्स मतलब एक वर्ड में चीज़ों को बताना वर्ड फ्रिक्वेंटली मिसपेड जो आप ज़्यादा गलतियाँ करते हो स्पेलिंग में आइडियज मतलब मुहावरे प्रोवर्ब मतलब कहावतें फ़ॉरन वर्ड लेटिन जर्मनी एंड फ्रेंच तीनों का बाइफिकेशन करके मैंने पढ़ाया था और एब्रीवेशन किस में आपको कैसा शॉर्टकट यूज़ करना है ये है ग्यारह टॉपिक प्लीज़ इसको टफ मत समझना बहुत ईजी है बस आपको एक बार पढ़ना है मुश्किल कुछ भी नहीं होता कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल इम पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है तो यही सोच कर चलना कि येस इट इज पॉसिबल ठीक है बच्चे अब एक चैप्टर बचा है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ आर्ट एंड समराइजिंग और हमारा चैप्टर हमारा कोर्स कंप्लीट ये रहे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो और क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं जी थैंक यू सो मच मिलते हैं फिफ्टीन मिनट्स बाद इकोनॉमिक्स की क्लास में